बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं। सो आप ये बात समझ लो, जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है किसी चीज की, तभी आगे भी स्ट्रांग चीजें होती हैं। तो अगर आपको बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे, तो आप आगे कैसे करोगे? मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा बेसिक्स क्लियर करने। अगर यहाँ पे थोड़ा टेंशन दे दोगे, तो जो बाद के टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। मेरे पास कोर्स मॉड्यूल है 2-3, वो मैं क्लास के एंड में पूछूंगी कि कौन से लोगों ने वो ले रखा है सब्जेक्ट या नहीं ले रखा है, अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स। ओके, तो मैं बाकी कोर टॉपिक्स पे भी आऊंगी। इनफैक्ट हम लिटरेचर भी कवर करेंगे, हर किसी की डिफरेंट नॉवेल्स होंगी, तो हम एक नॉवेल की क्लास भी लेंगे आगे। सो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। फिलहाल हम टेंसेस कर रहे थे, राइट? तो टेंसेस कर रहे थे, सो वी विल कंटिन्यू डूइंग दैट। हम फ्यूचर टेंस करके आज खत्म कर देंगे टेंसेस, ताकि हम आगे कोर कोर्स पे मूव ऑन कर सकें। तो हमने, एज यू ऑल नो, वी कवर्ड प्रेजेंट टेंस एंड वी कवर्ड पास्ट। उसके चारों फॉर्म्स हमने कवर कर लिए थे, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों फॉर्म वी हैव कवर्ड, ठीक है? एंड वी आर मूविंग टू फ्यूचर वन, ठीक है? तो मैं रिकैप करने में आई वोंट स्पेंड मच टाइम, वी विल डायरेक्टली मूव टू फ्यूचर वन, ठीक है? हाँ, तो आप सबको पता है फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंसेस होने वाला, तो आने वाला है, उसकी बात होती है फ्यूचर टेंस। यहाँ पे एक सिंपल पैराग्राफ है। दिस मंथ वेदिका इज गोइंग टू कम्पीट इन अ बैडमिंटन टूर्नामेंट। शी विल प्रैक्टिस हार्ड ऑल वीक बिकॉज द विनर विल रिसीव $2,000 एंड इन होप शी विल गेट फर्स्ट प्लेस। तो आप देखो यहाँ पे विल, विल प्रैक्टिस, विल वॉच, विल सिट, ये जहां जहां यूज हुआ है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। Will जहां पे भी आता है आंख बंद करके, यू शुड बी श्योर ऑफ इट कि दैट इज प्रेजेंट टेंस। और आप देखो, एक तो विल यूज हुआ है, और दूसरी चीज, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। लेट मी सो हाँ, जहां पे भी विल यूज हुआ है, यू शुड बी श्योर कि वो क्या है, वो फ्यूचर टेंस है, एंड सिंपल फ्यूचर टेंस है। आप देखो, विल के साथ जो फॉर्म यूज हुआ है वर्ब का, क्या यूज हुआ है? प्रैक्टिस, यहाँ है ना, प्रैक्टिस, वॉच, सिट। तो प्रैक्टिस, वॉच, सिट, चीयर, ये सब क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, क्या है? V1 है, ये सारा V1 है। सो इसका फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। सो सिंपल प्रेजेंट यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस is used to express, यहाँ लिखा है ना, used to express predictions about future, कि future में ये होगा, ये express करने के लिए कि ये चीज होगी future में। For example, कल बारिश होगी, तो क्या बोलते हैं हम? It will rain tomorrow. And the screen went up. हाँ, कल बारिश होगी का क्या बोलते हैं हम? It will rain tomorrow. Let me go up again. इट विल रेन टूमोरो, इट इज यूज टू एक्सप्रेस प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर, ठीक है? आगे आने वाले कल में जो होने वाला है उसकी प्रिडिक्शन। टू एक्सप्रेस फ्यूचर डिसीजंस, फ्यूचर डिसीजंस मैं कुछ करने वाली हूँ, जैसे आई विल अटेंड अ मीटिंग नेक्स्ट टूमोरो, नेक्स्ट डे होगा या तो टुमोरो होगा, ठीक है? इरेज दिस, आई विल अटेंड अ मीटिंग टुमोरो, मैं कल एक मीटिंग अटेंड करने वाली हूँ। टू एक्सप्रेस प्रोमिस और ऑफर, टू एक्सप्रेस प्रोमिस और ऑफर, यानी मान लो मैं आपको बोल रही हूँ कि आई विल टीच यू लिटरेचर, मैं आपको लिटरेचर पढ़ाने वाला, तो क्या कह रही हूँ मैं? या तो एक आपको कुछ ऑफर कर रही हूँ, या कोई प्रॉमिस कर रही हूँ। तो ये करने के लिए भी, जैसे अपने फ्रेंड्स को बोलते हो ना, आई विल हेल्प यू इन द एग्जाम, तो दिस शोज पॉसिबिलिटी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, प्रॉमिस या ऑफर। टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट आर नॉट इन आवर कंट्रोल, कुछ चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे इट विल बी सैटरडे टुमोरो, इट विल रेन टुमोरो, ठीक है? और विंटर विल अराइव इन दिसंबर। तो कुछ चीजें जो हमारी कंट्रोल में नहीं होती और आने वाली होती हैं, कुछ चीजें विच आर कमिंग, जैसे विंटर विल कम इन दिसंबर हो गया, इट विल बी सैटरडे टुमोरो, और अगर हम आज की बात करें तो इट विल बी ट्यूजडे टुमोरो। तो ये सारे सेंस में हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, बहुत सिंपल है ये। फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखो, रूट वर्ब दिया हुआ है इन सारी जगह में, ठीक है? यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, कुछ नहीं करना है आपको, बिकॉज ये सारा V1 फॉर्म है, V1 फॉर्म विल रिमेन द सेम। तो होगा यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी,
You will travel around the world. You will meet lots of interesting people. आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिलोगे. तो सिंपल फ्यूचर टेंस में प्लीज रिमेंबर विल प्लस वी वर. ठीक है, मूविंग ऑन टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, विल के साथ बी लग जाता है, वर्ब में आई एन जी लग जाता है, विल बी प्लस आई एन जी फॉर्म. अभी हमने जस्ट विल का बताया, अभी मैंने जस्ट विल बोला ना. जस्ट विल हम कहाँ यूज करते हैं, विल प्लस वी वन, जब हम सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं, जैसे कि कुछ चीज जो कल होने वाली है या मैंने जो कल करने का डिसाइड किया. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कह रही हूँ आई विल शो यू फोर इंग्लिश सिलेबस टुमारो, तो कल मैं आपको फोर इंग्लिश का सिलेबस दिखाऊंगी. तो ये चीज कल आ रही है, सिंपली आई विल करोगे इसमें. जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है जिसपे मैं आ रही थी, सर विलियम विल बी अराइविंग एट 3 o'clock टुमारो. ठीक है, सर विलियम विल बी अराइविंग एट 3 o'clock टुमारो. यहाँ पे आप देख रहे हो बी का यूज हुआ है. ये क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है. जब भी आप बी और वर्ब के साथ आई एन जी देखो तो वो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, आगे भी फॉर्म्स हैं इसके. आई विल बी लिविंग इन लंदन, आई विल नॉट बी लिविंग इन लंदन, विल आई बी लिविंग इन लंदन. तो अगर इसका नेगेटिव करोगे आप तो इसमें क्या होगा, जब मैं आपको चारों फॉर्म्स एक्सप्लेन कर दूंगी ना तो ये समझना आपके लिए बेटर हो जाएगा कि विल का यूज कहाँ करते हैं, विल बी का यूज कहाँ करते हैं. ठीक है, सो आई विल बी लिविंग इन लंदन, अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या करोगे आप, आई विल नॉट बी लिविंग. अगर आप इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहते हो क्या करोगे, जो हेल्पिंग वर्ब विल उसको आगे ले आओगे, विल आई बी लिविंग इन लंदन. ये क्यों यूज होता है, वो कोई चीज जो नियर फ्यूचर में होने वाली है और कंप्लीट होने वाली है, नॉट जस्ट इनकम्प्लीट. ठीक है, वी मे बी डूइंग समथिंग दैट गोज ऑन कंटिन्यूअसली एटलीस्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि एट 3 o'clock आई विल बी मीटिंग माई फ्रेंड्स टू वॉच द मूवी. तो तुम 3 बजे अपने फ्रेंड्स को मिलोगे मूवी देखने. तो ऐसा नहीं है कि बस मिल लिए ये खत्म हो गया, द एक्टिविटी विल बी कंटिन्यूइंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो एक्टिविटी चलेगी. जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना आई विल बी लिविंग इन लंडन, तो ये एक पॉइंट ऑफ एक्टिविटी नहीं है कि भाई आए और एक सेकेंड में लंदन में रह लिए. दिस मीन्स एलोंगेटेड, टाइम ज्यादा लगेगा, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है. हम आगे लंदन में रहेंगे और कंटिन्यूअसली रहेंगे. ठीक है, एक कंटिन्यूएशन का सेंस दे रहा है यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. द टूरिस्ट विल बी स्पीकिंग जापानीज, टूरिस्ट क्या करेंगे, दे विल बी स्पीकिंग जापानीज. इसमें आपको फिर से वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं करना है, विल लगाना है और बी लगाना है, और सारे में आप देखो रूट वर्ब है वी वन, क्लास, ईट, not here, not here में कैसे है, we will not be hearing anything in this noisy place. मतलब ये इतना शोर शराबे वाली जगह है कि हमें कुछ सुनाई नहीं देगा. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो हम इसमें have लगाते हैं. He will have finished planting before it rains. He will have worked. He will have planted. तो we generally use have plus वर्ब का जो भी फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं. प्लांटेड हो गया, फिनिश्ड हो गया, वर्ब टेंस. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगेन वी थ्री फॉर्म यूज होता है, विल के साथ हैव यूज होता है. इसमें रिगार्डलेस ऑफ ही है, शी है, जो भी है, आप इसमें विल के साथ हैव यूज करोगे. तो अगर आप फॉर्म के हिसाब से देखो तो देखो इट्स वेरी इजी. मैं आपको बताती जा रही हूँ कि इसमें आप विल के साथ बी यूज करोगे, आई एन जी यूज करोगे, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे. पर जब ये मिक्स्ड फॉर्म में आएगा ना, जब आपको कोई बताने वाला नहीं होगा कि ये सिंपल फ्यूचर है या फिर ये फ्यूचर परफेक्ट है, तब आप कंफ्यूज होगे. तो मिक्स्ड वाले एक्सरसाइजेस जब करेंगे हम, वो होंगे जनरल इंग्लिश में आपके पेपर में आने वाले एक्सरसाइज. तो वो क्लियर करने के लिए ये क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, हाउ मेनी एकर्स ऑफ प्लांट्स विल रघु हैव प्लांटेड इन द एंड ऑफ द स्प्रिंग. इसमें क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन आंसर करने, कॉम्प्रिहेंशन है ना. तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, पैराग्राफ देख के क्वेश्चन आंसर करने होते हैं. तो ये मैंने उसी को इनकॉर्पोरेट किया है इसके अंदर. आपको इसको पढ़ना है, हाउ मेनी एकर्स ऑफ प्लांट्स विल रघु हैव प्लांटेड एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग. कितना है, 10 acres. तो रघु विल हैव 10 acres ऑफ crops planted at the end of the spring. तो इसी form में आपको answer करना है, इससे देखते हैं जो paragraph है. ठीक है, I hope that is clear. इसमें क्या जाता है, I'll have finished the work. I won't, will not के साथ क्या करते हैं हम, जैसे will not को ना short form में हम लिखते हैं won't, I won't.
तो आई वोंट हैव विल नॉट भी लिखोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा. आई वोंट हैव फिनिश्ड द वर्क. हाँ जी मैम, इन वुडन को कैसे लिखेंगे फिर अगर विल नॉट को वोंट लिखा है तो? विल नॉट को अगर वोंट लिखा है तो वुड नॉट को आप वुड नॉट के फॉर्म में लिखोगे ना, वुड एन एपोस्ट्रोफी वुडंट. ठीक है, दिस इज वुडंट. I won't have finished the work. अगर इसका interrogative करोगे, जिससे हर हमेशा होता है helping verb आगे आ जाएगा, will I have finished the work? ठीक है, ये इसका negative interrogative. Last form पे आते हैं हम, future perfect continuous tense. आप सबको अब तक समझ आ गया होगा कि perfect continuous में क्या होता है, future perfect और future continuous का mixture. तो इसमें आ जाता है will, have, been. तो जो जो सारी चीजें पढ़ी हैं वो सारी आ जाएंगी. Will भी है, have भी है, been भी है और been के साथ ing लगेगा. They will have been sitting on the hard pews for a long time. Generally क्या है कि हम future perfect, मैम future perfect continuous tense और future perfect tense किस तरह के tense होते हैं? किस तरह के टेंस होते हैं, इसके यूजेस के हिसाब से आप बोल रहे हो ना. तो अभी मैंने आपको बताया फ्यूचर परफेक्ट के बारे में कि वो क्यों यूज करते हैं. इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज्यादा पूरे लिटरेचर में भी जो लीस्ट यूज सेंटेंसेस हैं वो ये दोनों होते हैं. आपको रेयरली कोई सेंटेंस मिलेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में. ठीक है, आप देखोगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सबसे कम सेंटेंसेस होते हैं. रेयरली ही कोई सेंटेंस मिलेगा. और फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो फिर भी थोड़ा सा मिल जाए, ये कभी नहीं मिलेगा, रेयरली मिलेगा. I will have been sitting on the hard pews for long time. अगर आप किसी को एक imaginary situation बताते हो, ठीक है, कि जब तक तुम यहाँ आओगे मैं already यहाँ पे इस जगह पे इतने घंटे बैठा रहूंगा. ठीक है, कहते हो ना कि अरे जब तक तो तुम आओगे तब तक मेरे यहाँ पे तीन घंटे बीत चुके होंगे, मैं ऑलरेडी यहाँ पे तीन घंटे तक बैठा रहूंगा. तो मैं रहूंगा वाला जो सेंस होता है उस वाले सेंस में हम इसको यूज करते हैं कि जब तक वो अपना स्पीच फिनिश करेगा तब तक जो लोग होंगे वो उस हार्ड जो चर्च की जगह होती है ना, चर्च की लाइंस जो बेंचेस होते हैं बैठने के लिए, उसको कहते हैं प्यूज. तो द पीपल दे विल हैव बीन सिटिंग ऑन द हार्ड प्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज सेंटेंस का मतलब ये निकल. पर अगर मैं लिटरल सेंस में बोलूं कि आपके नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज के सेंस में, तो हम उतना ज्यादा यूज नहीं करते इन दोनों वर्ब्स को, इसलिए इन दोनों को एकदम लास्ट में रखा जाता है पढ़ाने के लिए. ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I understood. Perfect. So, इसके रिगार्डिंग आप वापस देखो, कोर है जो भी रूट वर्ब है जैसे ट्रैवल है, माय मॉम ट्रैवल फॉर टू डेज बाय द टाइम. तो क्या लगाओगे? माय मॉम विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर, हाँ जी मैं टेल मैम, हाँ जी बोलो. माय मॉम विल हैव फॉर टू डेज बाय द टाइम आई सी हर travel. नहीं 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 नहीं, ये मैंने sorry, my mom, हाँ, बोलो, my mom will have travel for two days by the time I see her. मैंने ऊपर बोला है, हाँ जी बोलो. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, यू कैन ट्राई एज वेल. इट विल बी माय मॉम विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर टू डेज बाय द टाइम आई सी हर. एग्जैक्टली, परफेक्ट. नाउ आई वांट यू टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि जब मैंने फॉर्म में ऑलरेडी बोला है कि विल हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये फॉर्म होगा ना. विल हैव बीन तो सारे फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहेगा ही. तो माय मॉम विल हैव बीन ट्रैवलिंग. They will be exhausted by dinner. They will have been playing. यहाँ पे will you have been working? तो have been, will have been जो है ये हमेशा सब में same रहेगा. इसके साथ जो भी verb given है verb के साथ ing लगाना. ठीक है, तो सारे में वही करना है. इतना कुछ rocket science नहीं है इसमें. Basically you all can do it. To sum it up, मैंने एक sentence लिया है driving a car. इसको मैंने सारे tenses में लिखा है. ठीक है, ताकि आपको एक summation मिल जाए. सारे doable हैं. हाँ, सारे doable हैं. Forms के ही हैं question. जैसे first का example दिया ना हमने, सब ने वैसे ही करना है. इसलिए मैं एक एक करके सब नहीं कर रही, हमारा time waste होगा उसमें.
बस मैम वर्ब की लास्ट में आईएनजी लगाना है इसमें. हाँ वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगाना है और विल हैव बीन लगाना है उसके आगे. विल हैव बीन, अगर आप विल बी लगाओगे तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा. विल हैव बीन लगाओगे आईएनजी के साथ तब होगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. देखो यहाँ पे देखो, ही ड्राइव्स अ कार, प्रेजेंट में है ही ड्राइव्स अ कार. फिर इसका दूसरा फॉर्म ड्राइव्स अ कार क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट. ही इज ड्राइविंग अ कार क्या हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ही हैज ड्रिवन अ कार क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट. He has been driving a car since morning. ये क्या हुआ, present perfect continuous. तो ये सारा उसमें है, ये simple form है उसका, ये continuous form है, ये उसका perfect form है और ये perfect continuous form है. Present का भी, past का भी, future का भी. Past पे आओ तो he drives a car क्या हो जाता है, he drove a car. अब देखो he drives तो drive क्या है, first form है, उसमें आपने s लगाया है. यहाँ पे instantly ये change किस form में हो जाता है, सेकेंड फॉर्म में. ही ड्रोव अ कार, ही वॉज ड्राइविंग अ कार. यहाँ पे इज है, पास्ट में वॉज लग गया. ही वॉज ड्राइविंग, क्योंकि कंटिन्यूअस में सब में आई एन जी लगता है, ड्राइविंग है. ही वॉज ड्राइविंग अ कार. इसके नीचे ही हैड ड्रिवन अ कार, सेम जो फॉर्म है वी थ्री वाला इधर भी है. ही हैड ड्रिवन अ कार. ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 6 AM. सो दिस वन ing रिटेन करता है और जो had है had भी रहता है और बस एक स्पेशल इंसर्शन होता है been, इसमें been आ जाता है. आप देखो he will have, यहाँ पे been होगा which is missing, यहाँ पे been insert कर लेना. this one he will drive a car. यहाँ पे देखो कोई helping verb नहीं था, present में भी नहीं, past में भी नहीं, future में आ जाता है will. he will drive a car, he will be driving a car, he will have driven a car और he will have been, यहाँ पे been missing है, he will have been driving a car at 6 AM. I hope this whole table is clear to you. Screen, मुझे आपको कुछ और भी दिखाना है in the end. फिलहाल I'll stop sharing the screen and come to you. अब बताओ, we have covered the tenses. मैं अपनी next class के beginning में एक tense का mixed ले सकती हूँ to clear things. I can do that. और उसके बाद वी कैन मूव विद द इंग्लिश थिंग. मेरे पास अभी दो सिलेबस के डॉक्यूमेंट्स आए हैं, वो मैं शेयर करती हूँ एंड आप बताना कि आप में से कौन कौन है जिसके सब्जेक्ट फॉर्म्स में जिसके सब्जेक्ट में वो इंक्लूडेड है. हाँ जी बच्चा, ये कॉम्प्रिहेंशन है. मैंने आपको कहा था ना कॉम्प्रिहेंशन पे भी क्लास होगी. इनफैक्ट आप चाहते हो तो मैं इसके नेक्स्ट वाले क्लास में कॉम्प्रिहेंशन पे भी ले सकती हूँ, क्योंकि ये एक चीज है ना कि आपने वो जो स्टोरी होगी, जो भी स्टोरी या पैराग्राफ दिया होगा, वो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा. ऐसा कोई फॉर्म नहीं कि मैं प्रैक्टिस करा दूं वही सेम आए. तो आपको इनफैक्ट 4, 5, 10 कॉम्प्रिहेंशन का वो करके प्रैक्टिस करके यू विल हैव टू इंश्योर कि आपको आ जाए कि पैराग्राफ में से आंसर ढूंढ के कैसे लिखना है. तो नेक्स्ट वाली क्लास में इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन कॉम्प्रिहेंशन पे, मैं एक सेशन ले सकती हूँ कैसे आंसर ढूंढना है, आंसर कैसे फॉर्म करना है. वो मैं आपको एक एग्जाम का ही क्वेश्चन दूंगी जो पास्ट सेशन में आपके ही एग्जाम में आया है, उस टॉपिक को लेके, उस एक्सरसाइज को लेके आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू. फाइन मैम. हाँ जी बोलो. Ma'am, I did not understand where we use the. So can you tell me where we use the? Actually, I just do tense 4 times, but I did not understand where we use the. I just always confused. देखो बच्चे, सुनो 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 सुनो, टेंस का यूज और द का यूज. आपने द बोला ना, THE द, राइट? हाँ जी. हाँ, तो टेंस का यूज डिफरेंट है, द का यूज डिफरेंट है. द आर्टिकल है और ये जो द है ये आप किसी भी टेंस में लगा सकते हो. इसको टेंस में लगाने से कोई एक मिनट जस्ट होल्ड, इसको टेंस में लगाने से आपका कोई भी रिलेशन नहीं है कि आप द कहाँ यूज कर रहे हो. द आप कहाँ यूज करते हो, द एक आर्टिकल है जो आप उस चीज को डिस्कस करने के लिए यूज होते हो, या तो बहुत प्रोमिनेंट है एक इकलौती चीज. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पैराग्राफ बोल रही हूँ, भी दैट रिमाइंड्स मी, समेट आप, मैं आपको बता देती हूँ. फॉर एग्जांपल मैं कहूंगी कि आई हैव अ कार. अब नेक्स्ट वाले में मैं अगर कार को डिस्क्राइब कर रही हूँ, आई हैव अ कार, द कार इज प्रिटी. ठीक है, आई हैव अ कार, द कार इज प्रिटी.
अब मैं वापस से अकार इज प्रिटी नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि जब मैं अकार बोल रही हूँ तो मैं किसी भी एक कार की बात कर रही हूँ, मेरे पास एक कार है, तो एक कार सुंदर है नहीं बोलेंगे ना, कार सुंदर है, मेरे पास जो कार है मैं अगर उसको रेफर करूँ, एक स्पेसिफिक चीज को रेफर करूँ तो मैं दो लगाऊंगी। ए एन तो सबको पता है कि एन लगाते हैं हम वर्ब्स के आगे, अ लगाते हैं हम जो कॉन्सोनेंट टर्म्स के आगे होता है, द आप स्पेसिफिक चीजों को रेफर करने के लिए लगाते हो, ठीक है, जो चीज एक स्पेसिफिक चीज हो लाइक, और कई बार स्पेशल बुक्स के आगे भी, स्पेशल किसी के टाइटल के आगे भी लगता है कि ही इज रेफर्ड एज द नाइट, तो अगर आप किसी को द नाइट बोलते हो तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक पर्सन है, द टाइटल इज स्पेसिफिक टू दैट पर्सन, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल अगर इसका लेना चाहो तो यू कैन से आई विजिटेड टू म्यूजियम इन कैनेडा, द म्यूजियम वॉज वेरी ब्राइट एंड ब्यूटिफुल, तो नेक्स्ट वाले में आप अगेन उस म्यूजियम को रेफर करने के लिए द यूज करो। हाँ जी, समझ आया आपको? यस मैम।